नमस्कार मित्रों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं राणा प्रताप के शस्त्रागार यानी कि गोगुंदा के पास में स्थित मायर की गुफा, जिसे राणा प्रताप के वफादार सेवादार सेनापति हकीम कासूर, जो कि अफगान मुस्लिम थे और बड़े ही वफादार सेनापति थे और उनके नेतृत्व में यहाँ कभी अपना पड़ाव रहा करता था राणा प्रताप का, यानी कि शस्त्रागार हुआ करता था, गुप्त शस्त्रागार, जहाँ जाना आज के समय में भी बड़ा दुर्लभ है। और ये कुछ आप देख रहे होंगे होल, ये जो है मित्रों बंदूक का निशाना लगाने के लिए इस प्रकार से बना रखे है। और ये पूरी गुफा इस तरह से हुआ करती थी, जहाँ राणा प्रताप अपने सेनापति और जो उनके दरबारी हुआ करते थे उनके साथ में गुप्त मंत्रणा यहाँ होती थी। और अकेले जा पाना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि स्थान इस प्रकार से बना हुआ है, ये गुफा इस प्रकार से बनी हुई, पूरी नेचुरल है और आप स्वयं जाएंगे तब पता चलेगा। और इसी गुफा के अंदर जो है हिंगलाज माता का मंदिर है, जो राणा प्रताप की कुल देवी हुआ करते थे, यानी कि उनकी सेवा पूजा किया करते थे। और ये पहले तो नहीं थी और अब आदमकद मूर्ति जो है राणा प्रताप की यहाँ स्थापित कर दी गई है। और गुफा कुछ इस प्रकार से है, जिस पर अब सपोर्ट लगाया गया है ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो। और ये जो गुफा है यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, पूरी अंदर से खोखली है और कई सैनिक और असला जो है इसके अंदर रखा जा सकता था। और ये कई मंजिलों में, जैसे अपना मकान होता है एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल, इस प्रकार से जो गुफा है एक ही पहाड़ी के अंदर अलग अलग यानी कि दो तीन मंजिलों में है और पूरा पर्वत इस प्रकार से खोखला है, जिसे मायरा की गुफा नाम से जाना जाता है। और जो गोगुंदा से महज 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है और गोगुंदा राणा प्रताप की राज तिलक स्थली हुआ करती थी और उसी के निकटतम ये राणा प्रताप की गुप्त शस्त्रागार है। और गुफा इस प्रकार की जो अभी आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार की असंख्य गुफाएँ अभी मौजूद है। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की है कि यहाँ 12 महीने सदाबहार पानी जो है उपलब्ध रहता है, पानी का झरना इन गुफाओं के ऊपर से बहता है और ये पूरा जो कैव्स बने हुए कई सारे, और ये पानी जो जल धारा आप देख रहे हैं ये सदाबहार इस प्रकार से बहती रहती है और माहौल को बड़ा ही ठंडा कर देती है। और ग्रीष्म काल में तो कहना ही क्या है, यहाँ का बड़ा गजब का नज़ारा रहता है। और ये जो वनस्पति है सदाबहार इस प्रकार से हरी भरी रहती है पानी की उपलब्धता के कारण, और इस प्रकार से ये जलकुंड पास में ही बना हुआ है और ये भी इस प्रकार से भरा रहता है। यदि आप ज़्यादा संख्या में लोग अगर जाए वहाँ तो पूरे दिन पिकनिक के लिए एक बेहतर स्थान स्पॉट हो सकता है। और अब जो है पर्यटन विभाग ने इसकी सुध ली है और बहुत ही शीघ्र इसका जीर्णोद्धार आरम्भ हो जाएगा। और ये राणा प्रताप के शस्त्रागार मायरा की गुफा है और इन गुफाओं के ऊपर से इस प्रकार से पानी बहता आप यानी कि ग्रीष्म काल में भी आप देख सकते हैं, कंटिन्यू इस प्रकार से पानी बहता रहता है सदाबहार। ये झरना जो है आप इस गुफा का रंग देख के यानी कि सब तरफ काई जमी हुई है और इस माहौल को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ वातावरण किस प्रकार से है। और नज़ारा सब तरफ बड़ा ही सुखद और शानदार है। यदि आप गोगुंदा तक अपनी यात्रा करते हैं तो इस स्थान पर आप एक बार अवश्य आए, माहौल बड़ा ही शानदार, सब तरफ हरियाली, रास्ता थोड़ा सा दुर्गम है जो शायद बहुत ही जल्द अब राज्य सरकार पर्यटन विभाग द्वारा बना दिया जाएगा, जो कि बजट प्रावधान में भी इसे रखा है। और वातावरण और यहाँ का जो नज़ारा है उसका तो कहना ही कुछ और है, जो शब्दों के माध्यम से बयान नहीं किया जा सकता। और आप एक बार इस स्थान तक अवश्य पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।